Firstly, I would like to express my deepest condolences to the bereaved family for their loss of a girl at such a young and tender age. And we, Karadari Police, would like to express our solidarity to the bereaved family at this point of time, and also would like to express our deepest condolences to the family. ये बात ऐसे है कि लाइकी yesterday at around 9:30 PM I got an information through social media that कि एक लड़की जो है बच्ची है उसका मतलब फूड पॉइजनिंग के कारण से मौत हो गया और साथ ही साथ मतलब कुछ 40 के प्लस तकरीबन जो बच्चे लोग हैं उनका भी मतलब फूड पॉइजनिंग के कारण से बीमार हो गया. देन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि लाइक उससे पहले मुझे मतलब कुछ भी खबर नहीं आया था, ना पुलिस को कुछ खबर आया था कि लाइक ये इंसिडेंट के बारे में. देर आफ्टर ऑन रिसीप्ट ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल्सो द न्यूज़ दैट वाज सर्कुलेटिंग इन द सोशल मीडिया, आई ट्राई टू गैदर सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एंड देन फाउंड इट कि लाइक द इंसिडेंट हैड ऑकर्ड ऑन मंडे इवनिंग. मंडे का रात के समय को मतलब स्कूली बच्चे जो ये हैं क्रेस्ट केयर स्कूल यंगते में है वहाँ पर मतलब उनका तबीयत खराब होने लग गया. फिर नेक्स्ट दिन को जो है 29 को था कि लगे उनको वहाँ के प्रिंसिपल जो है उनको मेडिकल एटेंशन किया. एटेंशन करने के बाद में कुछ कुछ जो बच्चे हैं उनका अपने पेरेंट्स लोगों को उन लोगों को मतलब सौंप दिया और किसी का मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट किया. फिर ये जो लड़की है पर्टिकुलर जो ये बच्ची है इसका मतलब हेल्थ थोड़ा डिटोरेट हो रहा था एंड देन इसको 30 के दिन को साइड ईटानगर ले जा रहा था और ऑन द वे में मतलब इनका देहांत हो गया. और ये इन्फॉर्मेशन जो कल मैंने जो गैदर किया था उसको करने के बाद में आई ऑल्सो रिसीव वन कंप्लेन टुडे ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स एंड देन बेस्ड ऑन द कंप्लेन एज वेल एज बेस्ड ऑन आवर इन्फॉर्मेशन दैट वी गैदर्ड वी हैव रजिस्टर्ड अ केस अंडर सेक्शन केस नंबर 1522 अंडर सेक्शन 304 ओब्लिक 337 ओब्लिक 328 एंड 273 ऑफ आईपीसी. अभी तक सर कितने लोगों को पुलिस ने डिटेन किया या अरेस्ट किया, क्या स्टेटस क्या है सर केस का? हाँ, इसका ऐसे है कि लगी मुझे ये खबर मिलते ही मतलब आज अर्ली मॉर्निंग के टीम में मैंने एक तो पुलिस के एक टीम फोर्स को क्रिएट किया. क्रिएट करने के बाद में वो यंगते गया. यंगते जाने के बाद में आपका जो स्कूल का वहाँ पर जितना प्रेमिस है उसको मतलब छानबीन करके मतलब जो करना था इन्वेस्टिगेशन पर्पज में उन्होंने किया एंड देन सो फार वी हैव अरेस्टेड 3 स्टाफ ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज एंड स्कूल के जो 3 अथॉरिटीज है उनको मैंने अरेस्ट किया है. एक है जो वहाँ का प्रिंसिपल है और एक वहाँ का कुकमैन है एंड एज वेल एज वन वार्डन. SP साहब, क्योंकि अभी हम लोग स्कूल में तो विजिट नहीं कर सका, थोड़ा सा डिटेल से और जानना चाहते थे कि बच्चों लोगों का जो 40 हम लोगों को सुनने मिला कि 43 बच्चे लोग का हेल्थ इश्यूज निकला था 28 तारीख को रात को लगभग 9:30 के बाद में, और स्कूल अथॉरिटीज़ को भी इंफॉर्मेशन देने में काफ़ी डिले हुआ, इसमें भी हमें कुछ दुखी है. लेकिन फिर भी अभी बच्चों लोगों का क्या हालत है सर? अभी देखो ये था कि लगे टोटल वहाँ पर जो बॉर्डर्स था वो टोटल बोर्डिंग जो बोर्डर्स उसका नंबर्स जो था 130 करीबन थे और ये जो स्कूल है मतलब LKG से लेके क्लास 6 तक क्लासेस वहाँ पे चलती हैं. तो जिसमें से मतलब 40 के ऊपर था विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट फिगर क्योंकि हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है तो ओबियसली विल गेट द एग्जैक्ट फिगर कितना हुआ है. बट देन मैंने मतलब ये खबर सुनते ही आई हैड बीन इन टच विद द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड मैंने DMO मैडम जो करादरी है उनका भी फ़ोन किया था. उन्होंने मुझे बताया कि लाइक बाकी जो बच्चे हैं उनके जो तबीयत है इट इज़ इम्प्रूव्ड, दे हैव इम्प्रूव्ड एंड देन दे आर एक्चुअली रिकवरिंग एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन टेकन अवे बाई देयर पेरेंट्स एंड दे आर डूइंग गुड. हाँ, आपने जो बताया कि लाइक इन्फॉर्मेशन काफ़ी लेट में पहुँचा बिकॉज मुझे भी मतलब वही था कि आज मैंने आपको जो बताया कि लाइक आई गोट दिस इन्फॉर्मेशन ओनली यस्टरडे दैट ऑल्सो इन द लेट नाइट 9:30 के करीबन मुझे मिला था. बट देन देयर आफ्टर वट एवर पॉसिबल हमारा पुलिस की तरफ से जो एक्शन करना था वी हैव टेकन द एक्शन. आज हमारा जो टीम है वो यंगते में भी गया, पुलिस जो वहाँ का एक्शन जो करना था वी हैव डन दैट एंड वी हैव अरेस्टेड द स्कूल अथॉरिटीज एंड देन विल बी स्पीडिंग अप द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज आई फील सिंस ए माइनर हैज बीन हैड डाइड एंड देन इट्स अ सीरियस केस एंड देन विल सी दैट किले की जो भी मतलब इसमें जो कल्प्रिट्स हैं उसको बुक करेंगे एंड देन विल एंश्योर दैट एग्जाम्पलरी पनिशमेंट शैल बी अवॉर्डेड टू देम. सर, डिजीज़ का फॉर्मेलिटीज़ वगैरह क्या हुआ सर? डिजीज़ का फॉर्मेलिटी डिजीज़ क्योंकि यहाँ पे उसका डेड बॉडी यहाँ पे था ईटानगर में था तो वी हैव रिक्वेस्टेड द कैपिटल पुलिस टू डू द नेसेसरी PM एंड देन सबमिट द रिपोर्ट टू अस. बॉडी हैज बीन हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स. आई थिंक बॉडी हैज बीन हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स आफ्टर परफॉर्मिंग द PM.